ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को लाइट मैप की मदद से कुछ इस तरीके का एडिटिंग सिखाऊंगा, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। गाइस, ऐसा एडिटिंग आप लोग बहुत ही इजीली कर पाओगे। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो, ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप देखना। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइस, चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, लाइट मैप के अंदर फोटो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइट मैप के अंदर एडिटिंग सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, 2 या 3 मिनट में आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले फोटो का जो लाइट है उसे एडजस्ट करना है। उसके लिए गाइस, आप लोगों को यहाँ पर ऑटो टूल्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर प्रेस करना है, ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप गाइस, यहाँ से आप लोग मैनुअल तरीके से भी छेड़छाड़ कर सकते हो। लाइट वाले ऑप्शन जो है इसके अंदर प्रेस करना है और यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा हाई कर देना है, ठीक है। हाई करने के बाद गाइस, आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और मिक्स वाले टूल, और यहाँ से गाइस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। एंड गाइस, येलो कलर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेचुरेशन को डाउन करना है। एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके गाइस सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है। एंड अब आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर अच्छा खासा कलर आ चुका है। अब गाइस, इस फोटो को एक बार सेव करके दोबारा इनपुट कर लेना है लाइट मैप के अंदर, ठीक है। सो गाइस, मैं दोबारा इनपुट कर लेता हूँ लाइट मैप के अंदर फोटो को कुछ इस तरीके से। एंड इनपुट हो जाने के बाद गाइस, सब लोगों को फिर से उसी फोटो को इनपुट कर लेना है, यानी जिस फोटो को अभी अभी सेव किया एंड इनपुट किया लाइट मैप के अंदर, उस फोटो को दोबारा लाइट मैप के अंदर इनपुट कर लीजिए, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो, मैं फिर से ओपन कर लिया और यहाँ पर डायरेक्ट मैं कलर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करूँगा एंड मिक्स वाले टूल, और यहाँ से गाइस येलो कलर को सिलेक्ट करके, सॉरी ये पहला वाला ही फोटो है यार, मैं दूसरे वाले फोटो के अंदर टैप करता हूँ। एंड यहाँ से गाइस, सब लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और मिक्स वाले टूल, ऑरेंज सॉरी यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। आप लोग देख सकते हो गाइस, कितना अमेजिंग लुक एंड रियलिस्टिक लुक आ रहा है फोटो के अंदर। सिंपली डन पर टैप कर सकते हो, या आप लोग ब्लू कलर को भी छेड़छाड़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस, मैं व्हाइट बैलेंस को मेरे फोटो के मुताबिक से दे रहा हूँ, आप लोग भी दे पाओगे कुछ इस तरीके से अगर देना चाहते हो तो, ठीक है। आप लोगों को इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से गाइस क्लैरिटी को हाई कर देना है, पिगमेंट को माइनस की तरफ कर सकते हो, एंड डिटेल्स पर जाने के बाद शार्पनेस को हाई कर सकते हो एंड नॉइस रिडक्शन को भी हाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में 2 ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी ऑन कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एंड बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को सिखा दिया। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।